नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं दशा के बारे में पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को सीरीज स्टार्ट की है कि दशा के फल कैसे रहते हैं, हर ग्रह की दशा के फल। तो अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है महादशा के फल, कि किसी ग्रह की महादशा हो तो उसके फल कैसे होते हैं। उसके बाद उसी के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हर महादशा में, जैसे सूर्य की महादशा है तो उसमें सूर्य की अंतर्दशा होगी तो क्या फल होंगे, या सूर्य की महादशा है उसमें चंद्र की अंतर्दशा है तो क्या फल होंगे। तो डिफरेंट अंतर्दशाओं पे भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि फल देने वाली जो चीज होती है, दशा होती है व्यक्ति, वो अंतर्दशा फल देती है। महादशा तो आदमी की प्रकृति को चेंज कर देती है। फल जो मिलता है नॉर्मली अंतर्दशा के हिसाब से ही, अनुसार ही फल मिलता है। तो वो आपको हम लोग, मैं बताता जाऊंगा आगे। अभी मैंने आपको राहु, मंगल, बृहस्पति इन सब की दशा के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। आज हम शनि की महादशा के बारे में बात करते हैं। तो वही है, शनि की महादशा के बारे में ऋषि पाराशर ने बड़ा अच्छा बोला है, और शायद जो उन्होंने एक श्लोक के अंदर बोला है वही चीज अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो हमें मालूम चल जाएगा कि शनि की महादशा कैसी रहती है, या शनि की जब दशा आती होगी तो क्या होता होगा। उन्होंने कहा है, अथ सर्वेशु खेटेशु योगतिहीन प्रकृतितः तस्य भास्कर पुत्रस्य कथयामि दशाफलम्। वो कहते हैं भास्कर पुत्रस्य, भास्कर मीन्स सूर्य, सूर्य के पुत्र यानी सूर्य के पुत्र की शनि हुए, उनके दशाफल को कहता हूं, जो सभी ग्रहों में सर्वेशु खेटेशु योगतिहीन, जो सभी ग्रहों में हीन है तथा पापी है। ऋषि पाराशर ने इनको बहुत ही सुंदर वर्ड्स में बता दिया है कि जो सभी ग्रहों में हीन और पापी हैं, उस शनि के फल में आप लोगों को बताता हूं कि दशा में फल कैसे जाएंगे। तो अब जब ये बोल दिया उन्होंने, तो इसका मतलब यह है कि शनि के स्वतंत्र कारकत्व दुख तो हो ही गया। हम तो जानते ही हैं कि शनि के स्वतंत्र कारकत्व दुख होते हैं, बीमारी होती है, रोग होते हैं, अवसाद होता है, ये तो स्वतंत्र कारकत्व है ही। तो जब भी शनि की दशा आएगी तो हो सकता है कि आदमी को कोई बीमारी हो, कोई दुख हो, कोई रोग हो, कोई अवसाद हो, उस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है उसके अंदर। तो ये तो स्वतंत्र कारकत्व है, क्योंकि दशा में जब आती है तो आदमी की दशा, जो महादशा है, वो आदमी की पूरी प्रकृति को चेंज कर देता है। तो ये जब दशा आएगी तो ये पूरी प्रकृति को चेंज कर देगी। अब इसके बारे में कहते हैं कि क्या शनि की दशा के फल अच्छे नहीं मिलेंगे हम लोगों को, मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि कब फल अच्छे मिलेंगे, कब फल अच्छे नहीं मिलेंगे। तो वो कहते हैं, सोचे स्व क्षेत्र गे मंदे मित्र क्षेत्र से वा यदि मूल त्रिकोणे भाग्ये वा तुंगा से स्वांश गे अपि वा दुश्चक्ये लाभ भावे लाभ गे चैव राज सम्मान वैभवम सत कीर्ति धन लाभश्च विद्यावाद विनोदकतर। मतलब वो ये कहना चाहते हैं, आप इससे ये आइडिया लगाइए कि यदि शनि उच्च राशि में हो, स्व राशि में हो, मित्र राशि में हो, या मूल त्रिकोण राशि में हो, त्रिकोण भाव में हो, केंद्र भाव में हो, या लाभ भाव में हो, एकादश भावस्थ हो, तो जातक को राज सम्मान मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, और उसका हमेशा नेम फेम बढ़ता है। साहित्यिक परिचर्चा से सुख का मतलब यह हुआ कि पहले जमाने में तो साहित्यिक परिचर्चा आपस में बहुत होती थी, आज की डेट में तो ऐसा नहीं होती है। लेकिन ये है कि जो भी मीटिंग्स वगैरह होंगी या जहां भी कहीं कोई डिस्कशन चलेगा, उस डिस्कशन में हमेशा सफलता मिलेगी ऐसे जातक को जिसका शनि कुंडली के अंदर स्व राशि में या उच्च राशि में या मूल त्रिकोण राशि में नवम भाव में बैठा है, या पंचम में है, त्रिकोण में है, या लाभ भाव में बैठा हुआ है, और उसको कृपा मिलती है बकायदा ऐसे आदमी को। हाथी की सवारी जैसे कहते हैं, हाथी सवारी का मतलब हो गया, मतलब व्हीकल्स आज के डेट में हो गए, गाड़ियों की सवारी आदि सब प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है, नेम फेम प्राप्त होता है। तो शनि ऐसा नहीं कि शनि दुख ही देता है, शनि सब कुछ दिलवाता है, बशर्ते कि शनि उच्च राशि में हो, या स्व राशि में हो, या मूल त्रिकोण राशि में हो, मित्र की राशि में हो, केंद्र कोण लाभ भाव में हो, तब उसके अंदर ये सब चीजें, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं, राज कृपा पूरी प्राप्त होती है, और जातक को शासनाधिकारियों से लाभ प्राप्त होता है, ऑफिस के अंदर उसका नाम होता है, घरेलू सुख, विवाह, पुत्र प्राप्ति आदि सब कुछ होती है शनि की दशा के अंदर। तो शनि के लिए ये जरूरी है। इसके विपरीत शनि महादशा के अशुफल उन्होंने बताए हैं ऋषि पाराशर ने, जिसमें उन्होंने कहा है, षष्टा अष्टमे वे मंदे नीचे वास्त गे ते अपि वा विष शस्त्रादि पीड़ा चय स्थान भ्रंशम महद भयम। देखिए कितना श्लोक उन्होंने कितने सिंपल तरीके से दिया है,
कि षष्ठा अष्टमय व्यय यानी छठे आठवें और बारहवें भाव में मंदे, मंदे बोलते हैं शनि को, क्योंकि शनि ग्रह बहुत स्लो चलते हैं इसलिए उनको मंदे बोला जाता है, कि छठे आठवें बारहवें भाव में शनि अगर हों, नीच के हों या अस्त हों, वह अस्त हों तो विष के समान, विष एवं शस्त्र की पीड़ा बनती है, जैसे जहर और या शस्त्र होता है ऐसी पीड़ा का अनुभव इंसान को होता है। स्थान भ्रंशम, स्थान का भ्रंश होता है, स्थान भ्रंशम में तो मतलब बेसिकली ये हो गया कि आप अपने स्थान को छोड़ के जाएंगे। आज की डेट में तो स्थान भ्रंश को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, पुराने जमाने में कहते थे कि भाई कोई आदमी अगर अपना घर छोड़ के जा रहा है तो उसको विदेश जाने के लिए एक तरीके से उसका पनिशमेंट मानते थे, आज की डेट में विदेश जाना पनिशमेंट नहीं मानते, आज की डेट में विदेश जाना मानते हैं कि तो अवार्ड हो गया इंसान के लिए। लेकिन फिर भी स्थान भ्रंशम मीन्स कि अपने स्थान से जहां उस जहां से उसे प्रेम है वहां से उसे अलग होना पड़ता है। अगर शनि छठे आठवें बारहवें भाव में हो तो ये सब पीड़ा उनको होती है। इसके अंदर ये है कि हाँ अगर इन भावों में है लेकिन अगर वो शुभ ग्रह से युक्त है या योग कारक ग्रहों से दृष्ट है तो उस केस में कुछ लाभ भी होते हैं, बीच बीच में लाभ भी होते हैं। बहुत डिपेंड करता है कि आपका जिस ग्रह की दशा चल रही है उस पर कैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कैसे ग्रहों के साथ वो युक्त है। एक तो डिपेंड करता है कि वो किस भाव का स्वामी है तो उसके हिसाब से उसने करा ही करा है। तो ये तो उन्होंने बताया ही इसके अंदर कि शनि की महादशा के अशुभ फल ये होते हैं कि अगर शनि छह आठ बारह भाव में बैठा हो तो शनि के अशुभ फल होंगे, ये तो सब चीज मालूम चल गया कि अशुभ फल होंगे। उसके साथ साथ अगर शनि मान लिया छह आठ बारह में बैठा भी है या दूसरे भाव में है या तीसरे भाव में है ग्यारहवें भाव में है लेकिन शुभ ग्रहों से संयुक्त है और शुभ ग्रहों से उसको देख रहे हैं तो बीच बीच में धन भी प्राप्त होता है, बीच बीच में नाम भी प्राप्त होता है। ये शनि की महादशा के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम आते हैं बुध की महादशा के फल। बुध की महादशा के बारे में भी उन्होंने बताया है। वो कहते हैं अथ सर्वन भोगेशु यह कुमार प्रकीर्तित तस्य तारेश पुत्रस्य कथयामि दशाफलम्। यानी तारेश पुत्रस्य, तारेश मीन्स चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र की बात करते हैं बुध, क्योंकि चंद्रमा के पुत्र बुध कहे जाते हैं जिन्हें कुमार ग्रह बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं चंद्र के पुत्र बुध की महादशा के फल को आपको बताता हूँ, ऋषि पाराशर कहते हैं। और वो बहुत अच्छा श्लोक उन्होंने कहा है कि स्वच्छ स्वक्षेत्र संयुक्त, मतलब आप श्लोक पढ़ लीजिए आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। स्वच्छ स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, स्वक्षेत्र में हो, संयुक्त अच्छे ग्रहों से संयुक्त हो, केंद्र त्रिकोण लाभ भावे, केंद्र लाभ त्रिकोण गे, यानी केंद्र भाव में हो, लाभ भाव में हो, त्रिकोण भाव में हो, मित्र क्षेत्र समायुक्त। और मित्र क्षेत्र समायुक्त मीन्स कि मित्र के क्षेत्र में हो या मित्र से युक्त हो, तो ऐसे में महत सुखम, बहुत सुख मिलता है, धनधान्य की प्राप्ति होती है, नेम फेम प्राप्ति होती है, सब चीज प्राप्ति होती है। अगर धन आदि का लाभ होता है, सत्कीर्तन का लाभ होता है, ज्ञान प्राप्ति होती है, राजा की कृपा प्राप्त होती है, अगर ये सब चीजें अवेलेबल हैं, वो स्वच्छ उच्च का है, स्वराशि का है या मित्र राशि का है और केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बुध बैठा हुआ है तो ये सारे सुख प्राप्त होते हैं। और मित्र ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से युक्त है तो ये इस तरह के सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो बुध का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि बुध की कहाँ पे हमें अच्छे फल मिलेंगे। इसके बारे में इन्होंने अशुभ फल के बारे में भी उन्होंने साफ साफ कहा है, किसी भी ग्रह के शुभ फल और किसी भी ग्रह के अशुभ फल के बारे में ऋषि पाराशर ने बिल्कुल साफ बोला है। प्रहत पाराशर के अंदर उन्होंने साफ कहा है कि पाप ग्रह युते दृष्टे राज द्वेषम मनोरजम बंधु जन विरोधम च विदेश गमनम लभेत पर परेश्यम च कलहम मूत्र कच्छाम षष्ठा अष्टमय व्यय सौम्य लाभ भोगार्थ नाशनम। बिल्कुल वर्ड्स बाय वर्ड इसमें क्लियर है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके अंदर वो कहते हैं यदि बुध जो है वो पाप ग्रह युक्त हो, दृष्ट हो, पाप ग्रह युते दृष्टे तो ऐसे में राज द्वेष होता है, पुत्र की प्राप्ति, सहोदरों और स्वजनों से विवाद होता है, जो तो आपके मित्र हैं, स्वजन हैं या जबकि सहोदर हैं, भाई हैं, उनसे विवाद होता है, विदेश यात्रा होती है। विदेश यात्रा को अब आज की डेट में तो अच्छा मानते हैं लेकिन पहले ही होता था कि आपको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, वो प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। जातक मूत्र रोगों से पीड़ित होता है, ये भी देखो उन्होंने इसमें बताया हुआ है। परप्रेश्यम चय कलहम मूत्र कछाण मध्य भयम, यानी कि अगर ये बुध जो है इसके अशुभ अगर अच्छे से प्लेस नहीं है, पाप ग्रहों से युक्त है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, छठे आठवें बारहवें भाव में है तो
तो उसके साथ ये प्रॉब्लम, बुध के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो ये ध्यान रखना है, यदि बुध छठे आठवें बारहवें भाव में संस्थित हो तो ये आय एवं जुनून एवं धन की हानि होती है। आदमी का पैशन जो है उसकी हानि होती है, धन की हानि होती है। तो छठा आठवां बारहवां भाव का बिल्कुल ध्यान रखना है कि बुध आपका छठे आठवें बारहवें भाव में ना हो, पाप ग्रह से युत ना हो, द्रष्ट ना हो। अगर पाप ग्रह से युत है, द्रष्ट है, छठे आठवें बारहवें भाव में है तो ये सब पीड़ाएं हो सकती है। ऐसे में जातक को सरकार, चोरी, अग्नि आदि का भय रहता है। गवर्नमेंट से जहां भी सर्विस करते हैं, जहां भी वो प्राइवेट में सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं, वहां से उनको हमेशा एक थ्रेट बनी रहती है। ऐसे केस में जब बुध ग्रह उनका इस तरीके से प्लेस होता है, छह आठ बारह में, या पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से युक्त इस भाव में प्लेस होता है, केंद्र को लाभ भाव में ना हो, जैसा कि बताया गया उसकी अच्छी फल के लिए। तो ये बताए मैंने आपको शनि और बुध के बारे में, दो ग्रहों के बारे में बताया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ग्रह ले लेंगे, दो दो ग्रह हम लेते जा रहे हैं, और उसके बाद हर ग्रह की दशा में डिफरेंट ग्रहों की अंतर्दशा के फल के बारे में भी आपको बताते रहे। तो ये श्लोक याद रख, श्लोकों को देखिए, पढ़िए। इस श्लोकों को पढ़ने से आपको एक बल मिलता है। जब आप श्लोक पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे कितना इसका असर होता है चीजों का, कितना असर है जो ऋषि मुनि ये सब श्लोक लिख के चले गए। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय कृष्ण। नमस्कार।